नमस्कार, मैं विकास पांडे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। आज हम बात करेंगे एडवांस कंट्रोल सिस्टम, जो कि एमटेक का एक सब्जेक्ट है। एडवांस कंट्रोल सिस्टम में हर सिस्टम की स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी, अनकंट्रोलेबिलिटी, पर्टिकुलर स्टेट, दैट मीन्स इनपुट आउटपुट के बारे में बात की जाती है। तो आज का टॉपिक है स्टेट स्पेस एनालिसिस। स्टेट स्पेस एनालिसिस की अगर बात करें तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। मींस इनपुट आउटपुट और आउटपुट इनपुट दोनों एक दूसरे के कोरिलेट होते हैं। और अगर इनकी बात करें तो अगर एक सिस्टम कंसीडर किया जाता है, अगर सपोज ये सिस्टम कंसीडर किया जाता है तो ये इनपुट है और ये क्या है आपका आउटपुट। अगर ये इनपुट आउटपुट है तो ट्रांसफ़र फंक्शन क्या कहलाता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट इज कॉल्ड ट्रांसफ़र फंक्शन। यानी आउटपुट अपॉन इनपुट जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, ट्रांसफ़र फंक्शन। अब अगर स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। कौन कौन सा पार्ट? एक MIMO बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मल्टी इनपुट एंड मल्टी आउटपुट सिस्टम, और दूसरा हम बोलते हैं SISO। दैट मतलब क्या है, सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट सिस्टम। जैसे कि आप देख रहे हैं MIMO ये है मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम, और ये है सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम। तो अगर ये मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम है तो स्टेट की इक्वेशंस को जब लिखना होगा तो लिखते हैं x.t = ax + bu और y = cx + du। अगर x.t = ax + bu और y = cx + du है तो यहाँ पे x है क्या, x है एक स्टेट वेक्टर और ABCD क्या है, ABCD है मैट्रिक्स। यानी कि वो क्या हो सकते हैं, 2:2 की मैट्रिक्स हो सकती है, 3:3 की मैट्रिक्स हो सकती है, और 4:4 की मैट्रिक्स हो सकती है। सेम ऐसे ही सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट में ABCD क्या कहलाते हैं, मैट्रिक्स कहलाते हैं, जो 2:2 के हो सकते हैं, 3:3 के हो सकते हैं। अगर 2:2 के हो सकते हैं, 3:3 के हो सकते हैं, मतलब क्या है, जो स्टेट हमें चेक करना होगा वो क्या होगा, या तो 2:2 का होगा या फिर किसका होगा, 3:3 का होगा। अगर 2:2 और 3:3 है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा सिस्टम भी चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे वाई क्या है, वाई है हमारा आउटपुट और यू क्या है इनपुट। यहाँ पे कितने इनपुट दिए गए हैं मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट में, ये इनपुट एक इनपुट ये है, एक इनपुट ये, यानी कि मल्टी हो गया, यानी कि एक से ज़्यादा। तो ये कौन सा सिस्टम कहला गया हमारा, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम। लेकिन अगर यहाँ पे डी की वैल्यू को हम क्या कर दें, अगर हम यहाँ पे डी की वैल्यू को जीरो कर देते हैं, ये डी की वैल्यू है, इसको हम जीरो कर देते हैं, तब इक्वेशन क्या बनती है, x.t = ax + bu y = cx, यानी d की वैल्यू हमारी जीरो हो जाती है। तब यहाँ कितने इनपुट बचते हैं, एक इनपुट। तब इक्वेशन सिंगल इनपुट के लिए क्या होगी, x.ax + bu y = cx, क्लियर। इसके बाद अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x.ax + bu और y = cx + du के फॉर्म में। तो कंसीडर कर लेते हैं, एक इक्वेशन है हमारे पास, ए सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है हमारी, ये थर्ड ऑर्डर की सिस्टम है, ठीक है। तो अगर थर्ड ऑर्डर की एक सिस्टम लिखते हैं, dqy / dt³ + 6d²y / dt² + 11dy / dt + 10y = 8ut। ये y क्या है, y यहाँ पे आउटपुट है और u क्या है, इनपुट है। अब इसको किस में रिप्रेजेंट करना, स्टेट स्पेस। और स्टेट स्पेस था क्या, x.ax + bu और y = cx + du।
ठीक है। अब एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू के फॉर्म में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो ये थर्ड ऑर्डर के सिस्टम है। पहले इक्वेशन को लिखते हैं, उसके बाद अगर इसको सॉल्व करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, वाई ट्रिपल डॉट टी, यानी कि तीन डॉट हो गई आपके जितने, या तो आप ये समझ लीजिए जितनी पावर उतने डॉट लगा दीजिए, ठीक है, वरना प्रैक्टिकली ये क्या होता है वाई ट्रिपल डॉट टी, फिर ये क्या हो जाएगा सिक्स वाई डबल डॉट टी, फिर 11 क्या हो जाएगा वाई डॉट टी, फिर क्या हो जाएगा 10 वाई टी इज इक्वल टू 8 यू टी, ठीक है। अब हम कंसीडर कैसे करते हैं, कंसीडर ऐसे करते हैं कि y इक्वल टू, ये y इक्वल टू हम मानते हैं एक्स वन और ये मानते हैं एक्स टू और ये मानते हैं एक्स थ्री, लेकिन ये वाली जो स्टेट होती है यहाँ पे क्या लिखा था x डॉट इक्वल टू, स्टेट इक्वेशन थी x डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू और y इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। इक्वेशन किस फॉर्म में आनी चाहिए, डॉट के फॉर्म में आनी चाहिए, तो जो हायर पावर होती है उसका हम डॉट कर देते हैं उसके ऊपर वाली इक्वेशन का, उसका हम डॉट करते हैं किसका, उसकी ऊपर वाली इक्वेशन का, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, ठीक। अब अगर और इसको ज़्यादा समझना हो तो क्या करेंगे, y डॉट t इक्वल टू x2, लेकिन x2 किसके बराबर हो सकता है, अगर इसके ऊपर वाली इक्वेशन का हम क्या कर दें यहाँ का डॉट लगा दें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x1 डॉट हो जाएगा, तो ये y डबल डॉट t, यानी कि यहाँ पे अगर एक डॉट लगाते हैं तो यहाँ भी एक डॉट हो जाएगा, तो x3 इक्वल टू x2 डॉट हो जाता है, ठीक। और ये y ट्रिपल डॉट t क्या है, x3 डॉट किसके बराबर हो सकता है, x3 ये सॉरी x2 डॉट के बराबर हो सकता है, ठीक, x2 डबल डॉट के बराबर हो सकता है, ठीक। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम क्या कर देते हैं यहाँ पे पुट कर देते हैं, 10 क्या हो जाएगा 10 x1 ठीक प्लस 11 x2 प्लस 6 x3 प्लस इसके पहले क्या हो जाएगा x3 डॉट, और किस फॉर्म में आना चाहिए x डॉट के फॉर्म में आना चाहिए। अगर x डॉट के फॉर्म में आना चाहिए तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x3 डॉट की, जो हायर ऑर्डर होता है उसकी वैल्यूज़ को हम निकालते हैं, किसकी वैल्यूज़ को निकालते हैं, हायर ऑर्डर के वैल्यूज़ को निकालते हैं, लोअर ऑर्डर की वैल्यूज़ को नहीं निकालते हैं। क्यों, अगर 3:3 की मैट्रिक्स है तो x1 डॉट हो सकता है, x2 डॉट हो सकता है और क्या हो सकता है x3 डॉट हो सकता है, ठीक है। तो हम x1 डॉट तो हमें पता ही है, x1 डॉट कहाँ पता है, देखिए x1 डॉट इक्वल टू x2 और x2 डॉट इक्वल टू x3, लेकिन हमें x3 डॉट नहीं पता है, तो x3 डॉट की वैल्यू निकालेंगे 8 ut टी माइनस सिक्स यहाँ पर पुट किया तो x3 डॉट इक्वल टू ये सारा इस साइड में चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, जब लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा तो ये सारा पॉजिटिव, ये प्लस जो है माइनस के फॉर्म में आ जाएगा, ये माइनस सिक्स एक्स थ्री माइनस इलेवन एक्स टू माइनस टेन एक्स वन। अब इसको देखिए लिखते हैं इस फॉर्म में, अब मे बी ये आप लिख सकते हैं एक्स वन डॉट एक्स टू डॉट और एक्स थ्री डॉट, और आप ये भी लिख सकते हैं कि एक्स थ्री डॉट एक्स टू डॉट, ये कोई मैंडेटरी कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि पहले एक्स वन आना चाहिए फिर एक्स टू आना चाहिए फिर एक्स थ्री आना चाहिए, आप हायर से लोअर की तरफ भी जा सकते हैं और लोअर से हायर की तरफ भी जा सकते हैं, तो x1 डॉट x2 डॉट और x3 डॉट, ठीक, x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट आपने कर दिया। उसके बाद आपने क्या कहा, एक मैट्रिक्स A के लिए बना दी और एक क्या बना दिया, अगर यहाँ x1 डॉट x2 डॉट x3 तो यहाँ भी पहले x1 होगा फिर x2 होगा फिर क्या होगा x3 होगा, ठीक है, प्लस b और इनपुट कितना ut, ठीक है, एक ही इनपुट दिखाई दे रहा था, आपने क्या लिख दिया ut, अगर यहाँ पे दो होते तो u1t आप लिख देते और u2t लिख देते, ठीक है। अब x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट, अब x1 डॉट इक्वल टू आप देखिए क्या दिखाई दे रहा है, x1 डॉट इक्वल टू सिर्फ आपको x2 दिखाई दे रहा है,
तो अगर एक्स टू है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स टू हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, एक्स टू डॉट इक्वल टू क्या है, एक्स थ्री है। अब एक्स थ्री इक्वल टू क्या है, -10x1 -10x1 -11x2 -6x3। आप देख रहे हैं ना कि -10 है, फिर -11 है, फिर क्या है, -6, और इनपुट कितना है, 8 है, तो क्या हो जाएगा, 008। यहाँ तक क्लियर है? अब सेम ऐसे ही अगर एक इक्वेशन को लेते हैं जो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट नहीं है, वो क्या है, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम है। और अगर मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम है तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए एक इक्वेशन लिया, डी क्यू एक्स अपॉन डी टी क्यू प्लस 3 डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 4x इक्वल टू यू वन टी प्लस 3 यू टू टी प्लस 3 प्लस 4 यू थ्री टी, एंड आउटपुट, और आउटपुट आपका दिया है वाई वन इक्वल टू 4dx अपॉन डी टी प्लस 3u1, और वाई टू क्या दिया है, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 4u2 प्लस u3। अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इसको हम क्या बनाएंगे, एक्स ट्रिपल डॉट टी प्लस 3 आपका हो जाएगा एक्स डबल डॉट टी प्लस 4 एक्स डॉट टी प्लस 4 एक्स टी इक्वल टू यू वन टी प्लस ऑफ 3u2t प्लस 4u3t। ठीक है, ये सेम वैसे ही हो गया। तुम क्या कर देंगे, लेट एक्स टी इक्वल टू हम मान लेते हैं एक्स वन, एक्स डॉट टी इक्वल टू मान लेते हैं एक्स टू, एक्स डबल डॉट टी इक्वल टू मान लेते हैं एक्स थ्री, और एक्स ट्रिपल डॉट टी इक्वल टू मान लेते हैं एक्स थ्री डॉट। तो देखिए यहाँ पे है थोड़ा लॉजिक, लॉजिक क्या है, ये 3:3 की मैट्रिक्स है तो 3:3 की इक्वेशन तो हम बना लेंगे, लेकिन अब ये जो आउटपुट दिया है इसका क्या होगा, ठीक है, आउटपुट का क्या मतलब है, क्या लिखा है, वाई वन इक्वल टू 4dx अपॉन डी टी, तो अगर इसको दूसरे टर्म में देखेंगे तो लिखा है वाई वन इक्वल टू 4, ये क्या लिखा है आपका एक्स डॉट, और ये क्या है प्लस 3u1, ऐसे लिखा नहीं रहता है लेकिन इसका मतलब यही है। तो एक्स डॉट किसके बराबर है, एक्स टू के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 4x2 प्लस 3u1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये है एक्स डबल डॉट। ठीक है, तो सेम वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, इक्वेशन कितने की बनेगी, मैट्रिक्स 3:3 की मैट्रिक्स बनेगी, और आपका 3:3 मैट्रिक्स के अलावा आपका आउटपुट की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक फंक्शन है जो क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट है, अगर आउटपुट अपॉन इनपुट है तो वाई एस अपॉन यू एस इक्वल टू के अपॉन एस क्यूब प्लस ए थ्री एस स्क्वायर प्लस ए टू एस प्लस ए वन। अब अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये क्या हो जा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बन के आ रहा है आपका इज इक्वल टू के यू टी, वो के यू एस, इसमें क्या ले रहे हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं
तो वाई ट्रिपल डॉट टी हो जा रहा है और वाई डबल डॉट टी हो जा रहा है, और ए टू वाई डॉट टी ए वन सेम वैसे ही पहले क्या था, ये जितनी पावर थी उतने डॉट लगा दिए, जितनी पावर थी उतने डॉट लगा दिए, जितनी पावर थी उतने डॉट लगा दिए। वहाँ पे डिफरेंशियल के फॉर्म में था, यहाँ डिफरेंशियल के फॉर्म में नहीं दिया गया है। सेम वैसे ही वाई टी इक्वल टू एक्स वन, वाई डॉट टी इक्वल टू एक्स टू, वाई थ्री इक्वल टू एक्स थ्री, ये हो गया आपका। सारी वैल्यूज को हमने पुट कर दिया, ठीक है, और हमारी इक्वेशन आ गई है। ठीक, अब अगर इसका ब्लॉक डायग्राम बनाना होगा तो कैसे बनाते हैं, देखिए। अगर इधर से किसी इक्वेशन को बना रहे हैं तो ये क्या हो रहा है आपका, अगर इधर से किसी इक्वेशन को बना रहे हैं तो इस साइड से जब चल रहे हैं तो ये इंटीग्रेटर की तरह काम कर रहा है, इधर से चल रहा है तो ये डिफरेंशिएटर की तरह काम कर रहा है। तो आप देखिए वाई टी इक्वल टू क्या हो जा रहा है आपका, एक्स वन। तो सबसे पहले लास्ट वाली वैल्यू को लिखते हैं, वाई टी इक्वल टू एक्स वन, जब इंटीग्रेशन लगाया तो रिवर्स चल रहे हैं। आप बचे हुए सारे प्रोडक्ट को इस साइड से लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। पहला इंटीग्रेशन, अच्छा जितनी पावर होती है उतने ही इंटीग्रेटर लगते हैं, ठीक। अब आपका क्या हो जा रहा है, एक्स टू इक्वल टू एक्स वन डॉट और एक्स टू डॉट इक्वल टू एक्स थ्री, और उसके बाद एक्स थ्री डॉट, ठीक। समिंग पॉइंट लगा दिया। समिंग पॉइंट का बेसिकली काम क्या होता है, समिंग पॉइंट का मेन काम ये होता है कि वो उसको सम करने के लिए काम आता है। किसके लिए आता है, सम करने के लिए आता है, ठीक है। तो आपको जब सम करने के लिए वो काम आता है तो आप क्या कर सकते हो, या तो यहाँ पे नंबर ऑफ समिंग पॉइंट 3 लगा दो पहले ही और इसको सम कर लो, या तो यहीं पे आप 3 समिंग पॉइंट लगा दो और फिर उसको सम कर लो। दोनों ही केस में एक ही लॉजिक लगता है कि समिंग पॉइंट लगे होने चाहिए, मे भी इधर लगे हों, मे भी इधर लगे हों। अब समिंग पॉइंट के अंदर सिंबल बने होते हैं, कौन से सिंबल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आपको नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे आपको नेगेटिव देना पड़ेगा, या यहाँ नेगेटिव दे दीजिए और यहाँ पे पॉजिटिव दे दीजिए, यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन वही वैल्यू आनी चाहिए जो यहाँ पे है आपके पास, ठीक है। अब अगर इसी तरह हम लोग करते हैं, अगर सेकंड ऑर्डर की कोई एक क्वेश्चन होता है तो हम सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, वाई एस अपॉन यू एस इक्वल टू के अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस फोर या फाइव, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर सेम ऐसे ही हम क्या करते हैं, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन। अब सोल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन जो है ये दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है, एक तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के मेथड से, दूसरा किससे किया जा सकता है, सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन को। अब जो स्टेट इक्वेशन आपकी होती है वो क्या होती है, एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू और वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। अब एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू और वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू जो होता है, अगर इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लाप्लास लेते हैं। जब लाप्लास लेते हैं तो आपको पता है कि लाप्लास में क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पे जब एक डॉट है तो ऑलरेडी यहाँ पे एस होगा, जैसा कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में किए हैं। इस क्वेश्चन में क्या किया था, जितने एस का मल्टीप्लाई था उतने डॉट थे, तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई है, वन का मल्टीप्लाई है, तो एस एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये तो हो गई वैल्यू, माइनस इनिशियल कंडीशन कितनी होगी, जीरो, एक्स जीरो हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एट एक्सेस हो जाएगा प्लस बी यू एस हो जाएगा, क्यों, लाप्लास के फॉर्म में है तो एस डोमेन में हम सॉल्व कर रहे हैं। अब अगर एक्सेस की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इस साइड ला रहे हैं इस एक्सेस को, और इस एक्सेस को जब इस साइड ला रहे हैं तो कॉमन क्या बच रहा है, एस माइनस ए,
और एस के साथ किसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, एस के साथ जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और आई क्या है? हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है डायगोनल में हमारा 1 1 1 का वैल्यूज होती हैं। जब 1 1 1 की वैल्यूज होती हैं तो अगर एस से मल्टीप्लाई करें या किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करें तो ऑलरेडी वैल्यू वही आती है, कोई फ़र्क वैल्यू पे नहीं पड़ता है। लेकिन यूजिंग आपका कंट्रोल सिस्टम आई से आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। बचे हुए सारे टर्म एक्स ज़ीरो जो इधर था इस साइड में, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, प्लस बी यू एस कर दिया, ठीक है। हमने क्या कर दिया, एक्स एस को यहाँ पे रख लिया। अब ये यहाँ पे आ गया डिनोमिनेटर में, तो ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो किस फॉर्म में हो जाएगा, इनवर्स के फॉर्म में हो जाएगा। तो एस आई माइनस ए का इनवर्स, तो एस आई माइनस ए का जब इनवर्स हो गया आपका, तो आपके पास क्या आ गया है, एक्स एस इक्वल टू एस आई माइनस ए का इनवर्स एक्स ज़ीरो प्लस एस आई माइनस ए का इनवर्स प्लस बी यू एस, ठीक है। अब जब बी यू एस आ गया तो हमने क्या कंसीडर कर लिया, एस आई माइनस ए का इनवर्स को हमने कंसीडर कर लिया फाई एस, क्या कंसीडर कर लिया फाई एस, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एक्स ऑफ एस इक्वल टू फाई एस एक्स ज़ीरो प्लस फाई एस बी यू एस, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। जब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो यही इक्वेशन क्या हो जाएगी, लाप्लास इनवर्स एक्स एस इक्वल टू लाप्लास इनवर्स फाई एस एक्स ज़ीरो प्लस लाप्लास इनवर्स फाई एस बी यू एस, ठीक। अब जब बी यू एस है आपका और एक्स ज़ीरो और लाप्लास इनवर्स लिया, तो एक्स एस जो था वो आपका क्या हो जा रहा है, एक्स ऑफ टी हो जा रहा है, एक्स ऑफ टी हो जा रहा है। तो ये क्या हो जा रहा है, फाई एस आपका क्या हो जा रहा है, फाई टी हो जा रहा है। और एक्स ज़ीरो ऐसे ही रह रहा है, लाप्लास इनवर्स फाई एस बी यू एस ऐसे ही हो रहा है। तो फाई टी इंटू एक्स ज़ीरो क्या है, ज़ीरो इनपुट रिस्पॉन्स, और लाप्लास इनवर्स फाई एस बी यू एस क्या है आपका, ज़ीरो स्टेट रिस्पॉन्स। अब एक्स ज़ीरो क्या होता है, जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो इनिशियल कंडीशन फाइनल कंडीशन दोनों ही आती है। तो जो एक्स ज़ीरो है वो आपका क्या है, इनिशियल कंडीशन, ठीक है। या तो इनिशियल कंडीशन दी गई होगी या नहीं दी गई होगी, दो कंडीशन होगी आपके न्यूमेरिकल में, या तो इनिशियल कंडीशन दे दी जाएगी या तो इनिशियल कंडीशन नहीं दी जाएगी। तो फाई टी इक्वल टू क्या हो रहा है आपका, पहले तो फाई एस क्या था आपका, एस आई माइनस ए का इनवर्स था, उसके बाद फाई टी क्या था, लाप्लास इनवर्स फाई एस था, और फाई एस क्या था, एस आई माइनस ए का इनवर्स था, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ठीक। अब इसके आगे चलते हैं, मेथड फॉर सॉल्विंग होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन, मेथड फॉर सॉल्विंग होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन। अब होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन है तो इसमें केवल एक ही कंडीशन होती है। हम लोग कंसीडर ए स्टेट इक्वेशन क्या कहते हैं, एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, ठीक है। वी नो दैट एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। लेकिन इसमें करते क्या हैं, जो इनपुट हमारा होता है उसको हम क्या कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं, जिसे कहते हैं ज़ीरो इनपुट रिस्पॉन्स। जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो बचा क्या, एक्स डॉट टी इक्वल टू ए एक्स। तो पहली इक्वेशन हमने उसको कंसीडर कर ली, दूसरी इक्वेशन इसको कंसीडर कर ली, ठीक है। तो एक्स डॉट इक्वल टू ए ऑफ एक्स टी बचा। उसमें भी क्या किया था हमने, पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया था, उसके बाद इनवर्स, वो पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया था, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो एक्स एक्स एस माइनस एक्स ज़ीरो इक्वल टू ए एक्स एस, ठीक। सेम वही प्रोसेस चल रहा है। देन हम इसको और सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाता है एस आई एस माइनस एस आई माइनस ए या एस माइनस ए आप लोगे, एक्सेस ये हो गया, एक्सेस को इधर किया तो एस माइनस ए, ये देखिए आप देख रहे हैं एस माइनस ए, और ये क्या है एक्सेस इक्वल टू एक्स ज़ीरो। और एक्सेस की वैल्यू को अगर हम निकालते हैं तो एस आई माइनस ए का इनवर्स
और क्या हो जा रहा है आपके पास, एक्स जीरो, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर थ्री कह देते हैं। ठीक, अब इन्वर्स वहाँ भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया था, फिर क्या लिया था, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यहाँ भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एक्सेस क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा आपका एक्स टी इक्वल टू ई टू द पावर ए टी और एक्स जीरो। और फिर क्या हो जाएगा, अगर वहाँ पे देखते हैं एक्स टी क्या था, तो एक्स टी वहाँ पे था फाइव टी इंटू एक्स जीरो, यानी कि अगर इन दोनों को यहाँ पे एक्स टी की वैल्यू को हम पुट करते हैं तो हमारे पास बचता क्या है, फाइव टी इक्वल टू ई टू दी पावर ए टी, और ये भी हमारा क्या है, फाइव टी। फाइव टी इक्वल टू होता है लाप्लास इनवर्स एस आई माइनस ए का इनवर्स, क्या होता है, फाइव टी इक्वल टू ई टू दी पावर ए टी इक्वल टू लाप्लास इनवर्स एस आई माइनस ए का इनवर्स, यानी कि दोनों की मीनिंग वहीं पे आ रही है, और वो इक्वल टू किसके आता है, ई टू दी पावर ए टी के इक्वल आता है। ठीक, तो आपका जो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा वो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के फॉर्म में पूछा जाएगा। तो अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी जाए, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट इक्वेशन, तो फाइ फाइ जीरो इक्वल टू आई, यानी कि अगर यहाँ पे हम टी की वैल्यू को जीरो कर दें तो क्या बचेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगा। यहाँ पे ई टू द पावर माइनस ए टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइ इनवर्स टी इक्वल टू ये दूसरी मैट्रिक्स। और दो कंडीशन होती है, एक इनिशियल कंडीशन होती है, एक फाइनल कंडीशन होती है, और हर स्टेट के लिए होती है, तो पर्टिकुलर स्टेट पे पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही होती है, यानी कि एक इनिशियल कंडीशन से एक फाइनल कंडीशन पे पहुंचने के लिए जो डिफरेंस आता है वही होता है तीसरी कंडीशन। ये देखिए टी टू माइनस टी जीरो, यानी टी जीरो से टी टू के बीच में, ठीक है। और अगर केयर टर्म होता है, जैसे कि हम कह देते हैं एनेक टर्म कहते हैं, वैसे के टर्म अगर कहते हैं तो फाइव टी के पावर के इज इक्वल टू फाइव के टी हम मान लेते हैं, और फाइव टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए फाइव टी, ये प्रॉपर्टी फाइव है। अब इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ऑब्टेन टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स, वेयर ए इक्वल टू, अगर इसको देखते हैं तो हम लोग कैसे कहते हैं, कंसीडर ए स्टेट इक्वेशन एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। अब यहाँ पे क्या दिया है, वेयर ए इक्वल टू, यहाँ ए की वैल्यू डायरेक्ट दे दी गई है। अगर ए की वैल्यू डायरेक्ट दी ना गई होती तो आप क्या करते, ए की वैल्यू को आप फाइंड आउट करते हैं। क्या दिया है, ए इक्वल टू जीरो वन माइनस टू और जीरो, और मैंने क्या बोला था, इनिशियल कंडीशन या तो दी गई होगी या तो नहीं दी गई होगी। यहाँ पे इनिशियल कंडीशन क्या हो गई है, इनिशियल कंडीशन आपको दे दी गई है। अब इनिशियल कंडीशन जो दी गई है वो क्या है, वन वन ट्रांसपोज, यानी कि जो वर्टिकल होगा वो हॉरिजेंटल हो जाएगा, और जो हॉरिजेंटल होगा वो क्या हो जाएगा, आपका वर्टिकल हो जाएगा। और क्या दिया गया है, अरे आउटपुट की इक्वेशन दी गई है, आउटपुट इक्वल टू वाई इक्वल टू वन माइनस वन एक्स वन एक्स टू। ठीक, फाइंड आउट था स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स था क्या, फाई टी था। फाई टी क्या होता है, एस आई माइनस ए का इनवर्स होता है, और उसका क्या होता है, लाप्लास इनवर्स होता है। ठीक है, तो जब लाप्लास इनवर्स होता है तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एस आई माइनस ए, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, आई ऐसे ही रहेगा, टू इज टू टू की मैट्रिक्स होगी, माइनस ए होगा, ठीक है, उसका इन्वर्स निकाल लेंगे, फिर उसके बाद क्या है, उसका लाप्लास कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं, सबसे पहले स्टेट स्पेस रिस्पॉन्स किसे कहते हैं, एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। लेकिन ये मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम है, अगर सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम होता है तो क्या होता, एस आई माइनस वो डी की वैल्यू हमारी क्या हो जाती, जीरो हो जाती। अब अगर थर्ड ऑर्डर का एक सिस्टम हमारा दिया गया है डी क्यू वाई, अगर ये सेकंड ऑर्डर का होता तो क्या होता, उतने ही डॉट होते, जितने पावर होते हैं उतने ही पावर
होती हैं, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं, सेम ऐसे ही। अगर ट्रांसफ़र वो आपका जो है ट्रांसफ़र फंक्शन के फॉर्म में, तब भी सॉल्व हो जाता है, ठीक। सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन में क्या होता है आपका, लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड में एक बार लाप्लास को लेते हैं, फिर उसका इन्वर्स लाप्लास ले लेते हैं। होमोजीनियस में क्या करते हैं, होमोजीनियस में इनपुट को हम क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, ठीक है। उसके आगे चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स बाद में करेंगे। इसके बाद बात करते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन की। तो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, इसे कहते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट की अगर बात करोगे, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट क्या है? कंसीडर ए स्टेट इक्वेशन एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, ठीक। हम सबसे पहले क्या करते हैं, लाप्लास इनवर्स वो सॉरी टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने का मतलब क्या है, इनिशियल कंडीशन को हम कंसीडर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सेस माइनस एक्स जीरो इक्वल टू ए एक्सेस प्लस बी यू एस, ठीक है। और वाई क्या हो जाएगा, वाई आपका हो जाएगा वाई एस सी एक्सेस प्लस डी यू एस, ठीक। अब हमने यहाँ पे क्या एज्यूम कर लिया कि इनिशियल कंडीशन हमारी जीरो है। जब इनिशियल कंडीशन जीरो है तो हम किसकी वैल्यू को निकाल रहे हैं, देखिए आप, इनिशियल कंडीशन जीरो है तो हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, एक्सेस की वैल्यू निकाल रहे हैं। और एक्सेस की वैल्यू क्या है, जब इसको इधर शिफ्ट किया तो एस आई माइनस ए हो जाएगा और ये एक्सेस हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, बस बी यू एस बचेगा। अब एक्सेस क्या है, इसके नीचे एस आई माइनस ए को किया तो ये इन्वर्स में हो गया और ये क्या हो गया, बी यू एस हो गया, ठीक। अब इस वैल्यू को हमने कहाँ पे पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर फोर में पुट कर दिया। जब इक्वेशन नंबर फोर में पुट किया, पुट क्यों किया है, पुट इसलिए किया है क्योंकि ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। जब आउटपुट अपॉन इनपुट होता है तो लाप्लास आउटपुट अपॉन लाप्लास इनपुट हो जाएगा, ठीक है। वाई सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी यू एस प्लस डी और यू एस हो जाएगा। जी एस इक्वल टू वाई एस अपॉन यू एस है, तो ये देखिए वाई एस अपॉन यू एस, ठीक है। वाई एस अपॉन यू एस आपने कर दिया, ये हो गया। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, कौन कौन सा है, एक सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम होता है, एक मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम होता है। जब सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम होगा तो ए मैट्रिक्स भी होगा, बी मैट्रिक्स भी होगा, सी मैट्रिक्स भी होगा और डी मैट्रिक्स भी होगा। लेकिन अगर आप सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट की बात करेंगे तो डी मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होगी। देखिए सी सी एस आई माइनस ए का इनवर्स बी प्लस डी, डी को हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। जब डी जीरो हो गया तो क्या बचा, सी एस आई माइनस ए का इनवर्स और ये क्या हो गया, बी बच गया, ठीक है। अब क्या है, अगर हमने कंसीडर ए स्टेट इक्वेशन या फिर ए स्टेट इक्वेशन वेयर ए इक्वल टू माइनस वन माइनस थ्री वन जीरो माइनस वन और बी की वैल्यू कितनी है, वन वन, और सी की वैल्यू कितनी है, वन वन, एंड डी की वैल्यू हमारी क्या है, जीरो। यानी कि अगर डी की वैल्यू जीरो है तो ऑटोमेटिक फार्मूला कौन सा लगना है, सी एस आई माइनस ए का इनवर्स प्लस बी। अब एस आई माइनस, सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, एस आई माइनस ए। अब एस आई माइनस ए तो हमें पता चल गया, अब क्या करेंगे, उसका इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट अपॉन मॉड, ठीक है। और उसका मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, बी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तब जाके हमें क्या मिल जाएगा, ट्रांसफ़र मैट्रिक्स ऑफ द ट्रांसफ़र मैट्रिक्स पता चल जाएगी हमें, ठीक है। अब मे बी ये हो सकता था कि एक हमें वैल्यू दी गई होती जिसकी वैल्यू होती ए इक्वल टू,
अगर ऐसे ना दिया गया होता क्वेश्चन, कुछ ऐसे दिया गया होता डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 4 डी वाई अपॉन डी टी प्लस 5 डी वाई, नहीं नहीं प्लस 5 इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 8, ठीक 8 UT 8 US, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर को हम क्या करते हैं डॉट में लिखते हैं, फिर डी वाई अपॉन डी टी को फिर हम डॉट में लिखते हैं, फिर वहाँ से क्या करते हैं एक वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं, पहले उसको स्टेट इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। स्टेट इक्वेशन आपकी क्या होती है, स्टेट इक्वेशन जो होती है एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, ठीक है। आप इसको डॉट के फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले, जब डॉट के फॉर्म में लिखते सॉरी जब इसको डॉट के फॉर्म में लिखते तो वहाँ से क्या आ रहा होता आपका एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स, वहाँ से ए की वैल्यू मिल रही होती है, उसके बाद आपको क्या मिल रही होती है बी की वैल्यू मिल रही थी, फिर आपको सी की वैल्यू मिलती है, उसके बाद आपको डी की वैल्यू मिलती है। जब ए बी सी डी आपको मिल जाता उसके बाद आप कहीं यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर पाते ट्रांसफ़र मैट्रिक्स। अगर सेम उसी में पूछ लिया जाता ट्रांसफ़र मैट्रिक्स के लिए ये फार्मूला, अगर उसमें पूछ लिया जाता ट्रांजिशन मैट्रिक्स तो फाई टी इक्वल टू लाप्लास इनवर्स फाई एस। अब फाई एस क्या है, लाप्लास इनवर्स एस आई माइनस ए का इनवर्स, यानी वहाँ भी यही काम आ जाता यहाँ भी यही काम आ जाता। अब उसी में पूछ लिया जाता ब्लॉक डायग्राम तो क्या हो जाता, जैसे इसको अगर लिखना होता तो आप लिखते वाई डबल डॉट टी प्लस ऑफ 4y.t प्लस 5yt इक्वल टू 8ut। तो ये क्या हो जाता yt इक्वल टू x1 y.t इक्वल टू x2, दैट मीन्स x2 इक्वल टू x1 डॉट y डबल डॉट t इक्वल टू x2 डॉट, ठीक है। तो इसको इन वैल्यूज़ को कहाँ पुट कर रहे होते, यहाँ पुट कर रहे होते तो क्या लिखते x2 डॉट प्लस 4 x2 प्लस 5 x1 इक्वल टू 8ut। किसकी वैल्यू निकालते हैं x2 की वैल्यू निकालते हैं, जब x2 की वैल्यू निकालते हैं तो ये किस फॉर्म में आ जाता स्टेट इक्वेशन के फॉर्म में आ जाता, जब स्टेट इक्वेशन के फॉर्म में आ जाता तब जाके आप क्या कर रहे होते इसको सॉल्व करते, और जब सॉल्व करते तो आपको ए की वैल्यू मिलती बी की वैल्यू मिलती सी की वैल्यू मिलती डी की वैल्यू मिलती, जब आपको ए बी सी डी की वैल्यू मिलती तो आप क्या कर लेते ब्लॉक डायग्राम भी बना लेते, स्टेट इक्वेशन भी सॉल्व कर लेते, आप स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स भी सॉल्व कर लेते और ट्रांसफ़र फंक्शन की इक्वेशन भी सॉल्व कर लेते, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ट्रांसफर फंक्शन किसे कहते हैं, कंसीडर स्टेटिक ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली कहते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। कंसीडर स्टेटिक इक्वेशन एक्स डॉट इक्वल टू एक्स प्लस बी यू, वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। सबसे पहले क्या लेते हैं टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो इनिशियल कंडीशन से कहाँ तक पहुँचते हैं फाइनल कंडीशन तक। लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एस के फॉर्म में है तो एस एक्स एस माइनस एक्स जीरो इक्वल टू ए एक्स एस प्लस बी यू एस, और वाई एस इक्वल टू सी एस प्लस डी यू एस, ठीक है। इनिशियल कंडीशन को हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो जीरो है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल ले रहे होते हैं एक्सेस की वैल्यू निकाल रहे होते हैं, एक्सेस की जब वैल्यू निकालेंगे तो एस आई माइनस ए का इन्वर्स, जब एस आई माइनस ए का इन्वर्स बी यू एस होता है तो एस आई माइनस ए के इन्वर्स का मतलब होता है वो या तो फाई एस होगा आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ फाई एस की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन हमें आउटपुट अपॉन इनपुट निकालना है। तो जो इक्वेशन 5 होती है एक्सेस की वैल्यू को हम किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। जब इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं तो वाई एस की वैल्यू हो जाती है, वाई एस की वैल्यू क्या आ रही है आपकी सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी यू एस प्लस डी यू एस, ठीक है। तो वाई एस अपॉन यू एस आपका क्या होता है ट्रांसफर फंक्शन होता है ट्रांसफर फंक्शन। अब
देर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट एंड सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम। यानी मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम होगा और सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम होगा, ठीक है। तो डी की वैल्यू यहाँ पे जब सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम होगा तो कितनी होगी, जीरो होगी। ओके, थैंक यू।